हाँ जी प्यारे बच्चों, तो आपके सामने मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया है। ठीक है, मैंने आपके सामने ये क्वेश्चन लिख दिया है और आपको इसको सॉल्व करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई 3.4 का हम फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं, जिसमें 2x2 ऑर्डर का हमने मैट्रिक्स सॉल्व किया था रॉ एलिमेंट्री ऑपरेशन से। और उस ऑपरेशन से हमने देखा कि कैसे एक मैट्रिक्स का हम इन्वर्स निकाल सकते हैं, इन्वर्टिबल फंक्शन निकाल सकते हैं। तो सेम केस बच्चे यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी हमें इसका इन्वर्स ही निकालना है रॉ एलिमेंट्री ऑपरेशन करके। अच्छा, वो 2x2 वाला मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है। रीजन क्यों? क्योंकि बच्चों इंपॉर्टेंट किस लिए नहीं है, क्योंकि एग्जाम में नहीं आएगा। और फिर भी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वो आपकी बेसिक है, वो आपकी नींव है। अगर आप उसको नहीं सीखेंगे तो डायरेक्ट 3 वाले को करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये नहीं कि सीख नहीं पाएंगे, सीख जाएंगे, लेकिन थोड़ा मुश्किल है। अब आपने 2x2 वाला अपने मैट्रिक्स सॉल्व किया है रॉ एलिमेंट्री ऑपरेशन से पिछली क्लास में, तो आपको ईजी अब सब कुछ लगेगा। क्यों? क्योंकि अब हम जब 3x3 वाले करेंगे तो आपको वही सारी बातें वापस दोबारा मेमोराइज आएंगी कि भाई हमने ये चीजें सॉल्व ऐसे ऐसे लास्ट क्लास में की थी। अब वही सेम चीज हम यहां पे भी सॉल्व करने वाले हैं। बस फर्क क्या आ गया है कि उस टाइम हमने 2x2 ऑर्डर का किया था और इस बार हम किसका करेंगे? 3x3 ऑर्डर का करेंगे। तो बस इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए प्यारे बच्चों, अब मैं इसको सॉल्व कराने जा रहा हूं, तो आप इसको ध्यान से देखिए और हम इसको अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं इसे। ठीक है, ये आपके पास ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, कहा गया है कि भाई इसका इन्वर्स निकालिए। चलिए इन्वर्स निकाल लेंगे। आप अच्छे से जानते हैं कि भाई ए को आई ए लिखा जाता है, लास्ट क्लास में ही सीखा है। ठीक है भाई, अरे बच्चों अब आप क्या करेंगे? ए लिख देंगे सबसे पहले। लिख दिया हमने, ये लो ए लिख दिया। ठीक है, अब आई, आई तो आपको पता है क्योंकि 3x3 ऑर्डर वाला है, ये रहेगा। ठीक है, अच्छा अब हमें निकालना क्या है? इनवर्स निकालना है। निकालना क्या है? इनवर्स। तो बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, क्या करना है? जैसा कि मैंने बताया था आपको लास्ट रॉ एलिमेंट्री ऑपरेशन में कि हमें इस ए मैट्रिक्स को ना इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसा बनाना होता है। किसी भी हाल में हमें क्या करना होता है बच्चों? हमें बस इस ए मैट्रिक्स को इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसा बनाना होता है। और ये अगर हमने बना लिया तो बस हमने समझ लो जंग जीत ली। तो करना क्या है प्यारे बच्चों, आपको सिंपल सी एक बात देखनी है। देखो पहली बात, यहां 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ऐसा चाहिए। पहले आप सबसे पहले इस वाले को देखेंगे कि अगर ये पहले से ही 1 है तब तो हमारा काम आसान हो गया, और अगर ये 1 नहीं है तो इसको हम 1 बनाएंगे, लेकिन अभी तो फिलहाल दे रखा है तो चलो ठीक है। इसके बाद आपको क्या देखना है? इसके बाद ना आपको या तो इन दो डिजिट को 0 बनाना होगा या तो इन दो डिजिट को 0 बनाना होगा। अगर इन दो को बनाते हैं तो भी सही है, इन दो को बनाते हैं तो भी सही है, लेकिन मैं अगर अपने हिसाब से देखूं तो मैं ऑलवेज हमेशा इन दो को 0 बनाने में हमेशा पहले काम करता हूं कि भाई इन दो को पहले 0 बनाया जाए। ठीक है, क्यों करते हैं ऐसा? तो क्योंकि धीरे धीरे जब हम लोग इस तरीके से करते हैं तो वो सिस्टमेटिकली बिल्कुल आराम से सारी चीजें लाइन में लगती चली जाती है और हमारे पास आंसर तुरंत यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगा। तो देखिए अब जैसे मुझे दिख रहा है यहाँ पे 1 है, अब मुझे सबसे पहले इन दो को बच्चों 0 बनाना है। तो यहां तो पहले से एक 0 है भाई, मेरे इसको 0 बनाना है। अच्छा अब अगर मुझे इसको 0 बनाना है तो आप अच्छे से जानते हैं कौन है ये? R1। कौन है ये? R2। एक नहीं भाई, एक नया केस और आ गया यहाँ पे। कौन? R3। कौन आ गया? R3। चलिए सॉल्व करेंगे भाई, मुझे 0 किसको बनाना है? R2 के फंक्शन को। तो R2 वाले में हम ऑपरेशन करेंगे R2 - R1। R2 - R1 क्या 0 बनेगा? नहीं। तो हम क्या करेंगे? R2 R1 को 2 से मल्टीप्लाई, ताकि क्या हो? 2 - 2 - 2 क्या बन गया? 0। सिंपल कीजिए सॉल्व। हाँ जी, ऑपरेशन किस में कर रहे हैं? R2 में। तो इसके साथ कोई पंगे नहीं, जैसा वैसा ही रहेगा। अब करो इसको इससे करेंगे तो यहां पे 2 - 1, तो 2 1 - 2 0। यहां पे करेंगे 5 - 2 और R1 - 1, तो -1 + 5 और 2 7। ठीक, अब यहां पे 3 और वो 0, तो फिर खत्म। तो ये आ गया 3, और R3 भी तो हमने कोई ऑपरेशन किया ही नहीं, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। अच्छा इसमें भी सेम केस, R1 है तो वैसा का वैसे ही, R2 में ऑपरेशन किया भाई, तो बस 0 - 1, तो ये कितना आ गया? -2। यहाँ 1 0, तो ये 1, और ये तो दोनों ही 0 है, खत्म कहानी। और ये 0 0 1। ठीक है, चलिए
अगला ऑपरेशन, अगला ऑपरेशन क्या कहता है? अगला ऑपरेशन कहता है कि जब आप इन दो को जीरो बना लो तो फिर आप इन दो को जीरो बनाओ। मेरी बात समझ में आ रही है? देखो क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कि जब आप इन दो को जीरो बना लो तो फिर आप इन दो को जीरो बनाओ। मेरे हिसाब से तो ये ज्यादा बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि इन दो को जीरो जब बना लोगे आप तो और भी ज्यादा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि फिर हमें इस पे काम करना पड़ेगा। लेकिन बच्चों एक समस्या है। क्या समस्या है भाई? समस्या ये है कि अगर मैं इसको जीरो बनाता हूं तो इसके नीचे के तो सारे डिजिट इससे बहुत बड़े हैं, इससे क्या है बहुत बड़े हैं, तो इसका मतलब मुझे बहुत ही ज्यादा क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो मैं ऐसा करता हूं, मैं एक सिंपल सा काम करता हूं। क्या काम करता हूं? मुझे ये दिख रहा है कि भाई ये 7, ठीक है, और ये कितना है 2। अगर मैं इसको, क्योंकि मुझे बनाना है 100010, तो यहां पे 1 बना सकता हूं क्या मैं 7 का? कैसे? 7 अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दूं इसमें, तो क्या होगा भाई? बड़े आराम से मुझे यहां पे क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। कैसे? देखो 3 2 6, 7 में 6 जाएगा, क्या बन जाएगा? 1। तो हम एक काम करेंगे, हम फिर से आर टू के अंदर ऑपरेशन करेंगे और क्या करेंगे, आर टू माइनस 3R3 ये करेंगे बच्चों। और ऐसा करके हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कर लीजिएगा ना बच्चों। हाँ जी, R2 को कर रहे हैं, इसको छेड़ना नहीं है, ठीक जी। अब देखिए R2 को कर रहे हैं, 0 माइनस 0 खत्म, 7 माइनस, अब ये 3 2 जा 6, तो क्या बन गया 1, ये 3, ये 3 बन जा 3, तो ये भी आ गया 0। देखो लाइन आ गई वाली, हो गया थोड़ा सरल। हाँ जी, अब देखिए 100, हाँ जी, इसका क्या, आर टू माइनस 3R3, तो आर टू माइनस का 2R3 तो 0 ही है, खत्म। आर टू माइनस 3 तो ये भी 1, 0, और ये तो रहेगा ही सेम, ठीक है। चलिए हाँ जी, यहां तक आ गए। अच्छा, अब इसको 0 बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं बड़े प्यार से। कैसे? सीधा भाई, हमें अगर इसको 0 बनाना है, R1 के अंदर ऑपरेशन करेंगे, R1 प्लस R2 करेंगे। क्यों करेंगे जल्दी बताओ? क्योंकि माइनस का है, और माइनस प्लस क्या होता है? माइनस ही हो जाता है। तो बस सिंपल सा केस। हाँ जी, R1 ऑपरेशन, 1 प्लस 0 1, माइनस 1 प्लस 1 0, और 0 प्लस 0 0, सिंपल 0 1 0 0 2 1, ठीक है जी। और सेम केस इसके लिए भी, माइनस 1 प्लस 1 माइनस 2, तो माइनस का 1, 0 प्लस 1 1, और 0 प्लस 0 0, ठीक। बाकी माइनस 2 1 0 और 0 0 1, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों इस हिसाब से मुझे अब क्या चाहिए? मुझे यहां पे भी 0 चाहिए। मुझे क्या चाहिए? यहां पे भी 0 चाहिए। तो मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि भाई मुझे R3 के अंदर काम करना है, और अगर मैं R3 में से R2 माइनस करता हूं तो भाई 0 में से 0 कोई फर्क नहीं, 2 में से 1 अब फर्क पड़ रहेगा। तो इसलिए यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई। क्यों करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई? क्योंकि 2 और 2 बन जा 2, तो हो जाएगा लेस, खत्म कहानी। चलिए गेम शुरू। हाँ जी, ये तो अपनी जगह पे फिक्स, ये भी अपनी जगह पे फिक्स। हाँ जी, 0 में से, अब देखो R3 0, R2 0, तो 0 में से 0 0, R3 2, R2 1, तो भाई 2 माइनस 2 बन जा 2, तो कितना आ गया 0, R3 1, ये 0, तो ये आ गया 1, हो गया माइनस 1 1 0, माइनस 2 1 0। हाँ जी, R3 माइनस 2R2, तो R3 कितना है 0, 2R2, हाँ जी, माइनस का ये 0, ये माइनस 2, और ये R2 माइनस 2, तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 4 हो गया, ठीक। अब अगला R3 0, और ये माइनस का 2 1, तो यानी कितना हो गया, माइनस का 2 हो गया। अच्छा, अब कितना R3 1 है वो 0, तो ये 1 आ गया, ठीक। ये क्या बन चुका है, I, ए यहां मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके इनवर्स, माइनस 1 1 0, माइनस 2 1 0, माइनस 4 माइनस 2 1। आई ए इनवर्स क्या होता है, लास्ट क्लास में ही रूल सिखा दिया गया है आपको, ए इनवर्स बराबर माइनस 1 1 0, माइनस 2 1 0, माइनस 4 माइनस 2 1। है बच्चों इजी, है आसान, आ गया आंसर आपके पास। तो देखो इतना सा काम करना है, छोटा सा, ठीक। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि अभी ये सबसे टफ है, हाँ धीरे धीरे अभी इसका लेवल चेंज होता चला जाएगा। अभी तो मैंने आपके लिए बहुत ही इजी सा क्वेश्चन लिया, 2015 में आया था ये बोर्ड के पेपर में, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको नोट कीजिए, उसके बाद में इससे थोड़ा सा एक लेवल ऊपर क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है। चलिए।
हाँ जी बच्चों, अब ये आपके सामने मैंने एक नए टाइप का क्वेश्चन लिखा है। मतलब करना वही काम है हमें, वही इन्वर्टिबल फंक्शन निकालना है इसका रॉयल एलिमेंट्री ऑपरेशन करके, और हमें इसके लिए काम करना है ये बच्चों, ठीक है। हमें इसके लिए काम करना है, ठीक है। और इसमें क्या देखना है, हमें फटाफट इसका इन्वर्स फंक्शन निकालना है, और कैसे, रॉ एलिमेंट्री ऑपरेशन करके। जैसे कि आपको ए इतनी बेसिक बात तो ये सारी पता है कि ए इज इक्वल टू आई है, ए है। अच्छा, अब ये पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफर है। क्यों डिफर है? क्योंकि देखिए, पहले वाले क्वेश्चन में तो आपको बना बनाया यहां पे वन मिला हुआ था, लेकिन क्या इस बार मिला है? नहीं मिला है। तो इसका मतलब क्या है, काम हमारे पास इस बार ज्यादा है और हमें यहां पे बनाना पड़ेगा। तो बच्चों क्या करें, यहां पे वन बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करें? तो मुझे एक चीज दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है बच्चों? कि यहां पे ना ये फंक्शन पहले से ही बड़ा है, तो मैं यहां पे किसी भी तरीके से इसको थोड़ा छोटा करता हूं, ताकि ऊपर वाला बड़ा हो जाए, नीचे वाला छोटा हो जाए। और ये छोटा मुझे डिफरेंस काफी हद तक दिखना चाहिए। कैसा दिखना चाहिए? जैसे देखो, आर टू माइनस आर वन, लेकिन भाई पांच में से दो जाएगा तो तीन और छोटा हो जाना चाहिए। चलिए टू, तो फाइव में से टू टू जा फोर कि जाएगा तो क्या बन जाएगा, वन आ जाएगा। चलिए काम बन गया अपना, टू जीरो माइनस वन आर टू में हो रहा है, फाइव माइनस टू टू जा फोर, सॉरी फोर तो है, वन बन जाएगा। फाइव में से फोर गया वन, वन माइनस जीरो ये क्या रहेगा, वन। हाँ जी, जीरो यहां पे तो पुट होगा जीरो, और यहां पे क्या पुट होगा, माइन ये होगा माइनस का वन, तो यानी कि माइनस माइनस प्लस का टू। समझ में आ रही बात? देखो ना, आर टू की जगह पे क्या पुट करोगे, जीरो, और आर वन की जगह पे माइनस वन, तो माइनस माइनस प्लस का टू हो जाएगा। और यहां पे ये आर टू का वन और यहां पे जीरो, ठीक है। और इसमें तो कोई चेंज आएगा ही नहीं, जब इसमें चेंज है तो इसमें भी चेंज करेंगे थोड़ा सा। आर टू क्या है, जीरो, और आर वन तो ये माइनस का टू, फिर ये वन जीरो, ये तो पूरा ही जीरो हो जाएगा। ये लो भाई, यहां तक हो गया। अच्छा, अब क्या करना है? अब बच्चों मुझे दिख रहा है कि यहां पे वन है, अब मैं माइनस करने का झंझट क्यों पालू? मुझे तो साफ दिखाई दे रहा ना यार ये, कि ये वन यहां पे वन वन टू बन रहा है। इजिली मैं इसको सॉल्व करके जीरो बना सकता हूं। कैसे? देखो, इसको यहां से सॉल्व करके भी जीरो बना सकता हूं, ठीक है, क्योंकि वन में से वन जाएगा जीरो। तो मैं कुछ ऐसा काम करूं आसान सा कि भाई मुझे सॉल्व ना करना पड़े, सिर्फ शिफ्टिंग से मेरा काम चल जाए। किससे काम चल जाए? शिफ्टिंग से मेरा काम चल जाए। तो मुझे तो दिखाई दे रहा है यार कि अगर मैं R2 को R1 की जगह और R1 को R2 की जगह शिफ्ट कर दूं तो मुझे आराम से 1 मिल जाएगा, मुझे माइनस प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो बस मैं एक सिंपल सा काम करूंगा, क्या, कि R1 को इंटरचेंज कर दूंगा R2 से। R1 को क्या कर दूंगा, इंटरचेंज कर दूंगा R2 से। और इंटरचेंज करने से मुझे क्या फायदा मिलेगा बच्चों? इंटरचेंज करने से मुझे ये फायदा मिलेगा कि ये वन वाली पार्टी, ये पूरा, ये ऊपर चला जाए, और ये वाली जो पार्टी है भाई आर वन वाली, वो कहां आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। ये बात ध्यान रखना, ये हमने क्या कर दिया, इंटरचेंज। अच्छा, जब इसे इंटरचेंज किया तो भाई यहां पर भी इंटरचेंज होगा, ये माइनस टू वन जीरो वाली पार्टी ऊपर और वन जीरो जीरो वाली नीचे, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं बच्चों हम, क्यों, ताकि हमारे काम को आसानी मिल जाए। अब जैसे देखो, यहां पे वन लाना, मैं माइनस करता, मैंने क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। माइनस करके भी करोगे बहुत लेंदी होएगा, फिर इंटरचेंज करके करो, ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं। अच्छा, अब बहुत, और अब क्या कर सकते हैं, अब भी आसान तरीके से हो जाएगा। अब कैसे, अब मुझे क्या करना है, मुझे तो यहां जीरो बनाने से मतलब है, बात खत्म। देखो बन गया कि नहीं बन गया जीरो, कितने आसानी से जीरो बनेगा, कैसे बनेगा, आर टू माइनस टू आर वन। सॉल्व करना बच्चों, हाँ जी सॉल्व करो जरा, क्या बनेगा, वन वन टू अपनी जगह पे, टू यहां पे पुट करोगे माइनस वन, तो टू वन जा टू क्या बन गया, जीरो। फिर यहां पे पुट करोगे क्या, जीरो और ये टू और ये वन, तो कितना आएगा, माइनस का टू। अब क्या पुट करोगे, अब पुट करोगे माइनस का वन, क्या पुट करोगे, माइनस का वन और ये टू और ये टू, तो ये तो माइनस का चार और एक माइनस का पांच आ गया, कितना आ गया, माइनस का पांच आ गया, और बाकी चीजें सेम, जीरो वन थ्री, ठीक है। अब इसकी बारी बच्चों, ठीक है, तो माइनस का टू वन जीरो। अच्छा, आर टू में ऑपरेशन करना है तो भाई क्या बनेगा, यहां पर रखेंगे वन, यहां पर रखेंगे माइनस का टू, माइनस माइनस प्लस ये हो गया फाइव, ठीक है। अब यहां पर रखेंगे जीरो, यहां पर रखेंगे वन, तो कितना आएगा, माइनस का टू, फिर यहां जीरो जीरो, तो ये पूरा ही जीरो हो गया। अगला जीरो, ये तो अपनी जगह पे सेम रहेगा, जीरो जीरो वन। समझ में आ रही है बच्चों बात? चलो यहां तक हो गया। अच्छा, अब मुझे एक चीज और, अच्छा हाँ, अब सॉल्व हो जाएगा। लेकिन बच्चों मुझे तो यहां पे वन चाहिए था ना यार, मुझे तो यहां पे क्या चाहिए था, वन चाहिए था।
और भाई वन नहीं, जब यहां पे मुझे वन चाहिए तो अब क्या करूंगा, अगर मैं माइनस भी कर देता हूं किसी से भी तो मुझे फिर भी माइनस का वन मिलेगा, मुझे फिर भी क्या मिलेगा, माइनस का वन मिलेगा। तो मैं ऐसा कहां पे चेंज लाऊं, ऐसे कहां पे चेंज लाऊं कि भाई उसके जो चेंज की गई पोजीशन है ना, अभी जो हमने यहां पे चेंज की है उस पे फर्क ना पड़े। तो मुझे एक चीज दिख रही है बच्चों, देखो आर टू और आर थ्री दोनों में यहां पर जीरो है कि नहीं है। अगर मैं इनको बच्चों आपस में ही चेंज कर दूं तो क्या इनके जीरो वाली पोजिशन में फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। लेकिन एक नई चीज में फर्क आएगा, क्या फर्क आएगा बच्चों, एक नई चीज में फर्क आएगा। फर्क यह आएगा कि मुझे यहां बीच में ना वन चाहिए था, यह वन मुझे यहां पे मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो बस R2 को इंटरचेंज कर दो किसके साथ, R3 के साथ। R2 को इंटरचेंज किसके साथ कर दो, R3 के साथ। लो जी हो गया काम खत्म, वन वन टू इंटरचेंज करने पर कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं इसका, लेकिन इसमें फर्क पड़ जाएगा, इसमें फर्क पड़ जाएगा। और जब यहां फर्क पड़ेगा तो यहां भी पे भी फर्क पड़ेगा, जीरो जीरो वन फाइव माइनस टू जीरो, ठीक है ठीक। चलिए ये इंटरचेंज हो गया। अच्छा अब क्या करना है, अब हमें ये करना है कि भाई मुझे यहां पे जीरो बनाना है, मुझे यहां पे क्या करना है, जीरो बनाना है। तो चलिए जीरो बनाते हैं भाई, आर थ्री में ऑपरेशन करते हैं। हम क्या करेंगे, आर थ्री में ऑपरेशन करेंगे। जब हम आर थ्री में ऑपरेशन करेंगे तो क्या बनेगा, आर थ्री या तो है ही, मुझे क्या बनाना है, जीरो। तो भाई ये माइनस का टू है तो प्लस वाला टू हो जाना चाहिए, तो यानी अगर आर टू करता हूं तो भाई ये तो फिर भी माइनस वन रह जाएगा। तो क्या करें भाई, टू से मल्टीप्लाई, हो गया सॉल्व, वन वन टू जीरो वन थ्री, जीरो ना जीरो सॉल्व करोगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, माइनस टू प्लस टू जीरो, माइनस फाइव प्लस का सिक्स आ गया वन, देखो बना कि नहीं बना। अब देखिए यहां पे तो माइनस का टू वन जीरो 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 वन, अब देखो आर थ्री फाइव आर टू जीरो, तो कितना आ गया फाइव, माइनस टू और ये कितना जीरो, जीरो और ये वन, तो कितना हो जाएगा टू, कोई दिक्कत। अच्छा अब क्या करना है बच्चों, अब मुझे एक सिंपल सा काम करना है, मुझे आर वन के पास यहां जीरो चाहिए था, सही बात है कि नहीं, चलो सॉल्व करो, आर वन के पास जीरो चाहिए तो कैसा करूंगा, आर वन माइनस आर टू, आर वन माइनस आर टू, हो गया सॉल्व, वन माइनस जीरो वन, वन माइनस वन जीरो, टू माइनस थ्री माइनस का वन, ठीक है। और बाकी सारी चीजें अपनी जगह पे जैसी थी वैसी रहेंगी। हाँ जी माइनस टू जीरो माइनस टू वन, जीरो माइनस वन वन, ठीक है बाकी सारी चीजें अपनी जगह पे स्टेबल, ठीक। चलो एक स्टेप और बनेगा अभी इसमें, ठीक। हाँ जी अब क्या चेंज करें, हाँ जी जल्दी बोलो अब क्या चेंज करें। तो बच्चों यहां जीरो चाहिए तो यहां पे भी तो जीरो चाहिए, तो क्या मैं R1 के अंदर ही दोबारा R1 प्लस R3 कर सकता हूं कि नहीं, क्यों करूंगा प्लस, क्योंकि माइनस और प्लस की चीज हो जाएगी वापस माइनस, ठीक है। तो लो भाई कर देते हैं यहां पे हम, करो चेंज। हाँ जी R1 प्लस R3 तो 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 0 0, माइनस 1 और प्लस 1 हो गया 0। हाँ जी काम हमारे लिए क्या हो गया, काम हमारे लिए हो गया आसान, काम हो गया हमारे लिए बहुत इजी। और यहां पे भी R1 प्लस R3 तो माइनस टू प्लस फाइव थ्री जी, वन प्लस माइनस ये तो माइनस का वन, और माइनस वन प्लस टू माइनस प्लस का वन, और ये जीरो जीरो वन फाइव माइनस टू टू, ठीक है। अच्छा अब क्या करना है, अब हमें करना है भाई, अब हमें यहां पे जीरो बनाना है, तो लास्ट स्टेप ही रह गया ऑलमोस्ट, अब ऑलमोस्ट क्या हो गया खत्म कहानी। R2 के अंदर और ऑपरेशन कर दो, R2 टू माइनस थ्री आर थ्री, हो गया काम खत्म भाई। लो वन जीरो जीरो, हाँ जी जीरो माइनस जीरो ही हो रहेगा वो तो, वन माइनस जीरो ही वो सॉरी वन ही रहेगा वो तो, और ये थ्री माइनस थ्री वन जा थ्री तो जीरो, जीरो जीरो वन कर दो सॉल्व, थ्री माइनस वन वन, हाँ जी आर टू जीरो और ये कितना थ्री, तो यानी माइनस का पंद्रह, जीरो ये माइनस माइनस प्लस का सिक्स, यहाँ वन यहाँ तीन दूनी छः माइनस का पाँच, फाइव माइनस टू टू ए, ये बन जाएगा आई, ए इधर आके इनवर्स, थ्री माइनस वन वन माइनस फिफ्टीन सिक्स माइनस फाइव, फाइव माइनस टू टू, ए इनवर्स इज इक्वल टू थ्री माइनस वन वन माइनस फिफ्टीन सिक्स माइनस फाइव, फाइव माइनस टू और टू, ठीक है।
तो बस इतनी सी प्रैक्टिस करनी है और आपको आंसर आपके सामने मिल जाएगा। तो मतलब देख रहे हो कितने स्टेप, 1 2 3 4 5 6 7 8, लगभग 6 7, यानी एवरेज मान के चलो 6 7 स्टेप में आपका क्वेश्चन हर हाल में सॉल्व हो ही जाएगा। ठीक है, उसमें देख लो कितने, कुछ काम तो ऐसे ही किए हमने जिसमें कुछ किया ही नहीं, बस इंटरचेंज कर दिया, हमें दिखा कि हाँ भाई हम इसको बिना सॉल्व किए आसानी से कर सकते हैं, इंटरचेंज किया और सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी के तो सारे करने ही है, ठीक, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आपको कवर करने ही है। एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ इसके बाद में, वो और देख लियो। ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो बोर्ड के पेपर में आया हुआ भी है, तो अगला क्वेश्चन हम। तो बच्चों ये एक और क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूं मैं, और इस क्वेश्चन को भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा आंसर भी इसका अजीबो गरीब अटपटा सा बनेगा, ठीक है, फ्रैक्शंस में आएंगे इसके आंसर्स, ठीक है, और बहुत ही ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन को लिया मैंने। और आपको करना क्या है, अब एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन है सारे कवर करने हैं। ठीक है, अब आपका 3.4 खत्म हो चुका है, जो डाउट रहेगा एनसीईआरटी प्लस, आप सभी बच्चों को एक बात और कहना चाहूंगा मैं, आप ML अग्रवाल बुक को, ये रिफ्रेशर है आपकी, ठीक है, इसमें काफी सारे क्वेश्चंस दिए गए बच्चों, और इनके क्वेश्चंस करने के बाद आपको बोर्ड के लिए काफी सफिशियंट अमाउंट में आपको मटेरियल मिल जाएगा, और उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको इसके अलावा और भी ज्यादा कुछ करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक बार जब आप ML अग्रवाल कर लेंगे और एनसीईआरटी कर लेंगे तो वो आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए सफिशियंट है, उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। और बाकी जैसा कि हम वही बात करते रहते हैं, ठीक है, कि नेक्स्ट ये बाकी हम जस्ट दिसंबर में, नवंबर दिसंबर के आसपास सेट पेपर करना शुरू करेंगे, तो उसके लिए उस टाइम पे जो कंफर्टेबल हमारे लिए होगी बुक, वही बुक को हम यूज करेंगे और उसी को पढ़ेंगे। फिलहाल अभी आप एनसीईआरटी और ML अग्रवाल रिफ्रेशर को यूज करें, ये आपके लिए सफिशियंट है और इससे ज्यादा आपको एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, अब हमें इसे करना है। भाई सिंपल सी बात, पहले भी मैंने समझाया था कि यहां पे आपको किसकी जरूरत है, वन की जरूरत है, किसकी जरूरत है, वन की जरूरत है, तो मुझे सॉल्व करने से अच्छा है ना कि मैं इसको एक्सचेंज ही कर लूं, याद आया कुछ? ठीक, अब मुझे बड़े आसानी से ये मिल सकता है तो मैं ऐसा क्यों नहीं करूंगा। अच्छा सॉरी, एक मिनट, पहले एक काम करते हैं, पहले इसको सही से लिख तो लीजिए, 0 1 2 1 2 3 3 1 1, और आई है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और ये तो क्या है भाई, हमने क्या रूल बनाया था कि जब आसानी से जो चीज मिल जाए उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, तो R1 और R2 भाई चेंज कर देंगे हम इजिली, तो 1 2 3 ऊपर, 0 1 2 नीचे, और जब इधर चेंज किया है तो इधर भी चेंज होगा, 0 1 0 ऊपर, 1 0 0 नीचे। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, अब तो मिल ही गया, अब मुझे करना क्या है, अब सिंपल सा एक मुझे काम करना है कि भाई बच्चों मैं यहां पे भी 0 बनाऊंगा, मैं यहां पे भी क्या बनाऊंगा, 0 बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा जरा ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, ठीक है, जरा ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, अब मुझे क्या करना है, मुझे यहां पे 0 बनाना है, तो मुझे कैसे करना होगा, सेम वही काम, R3 के अंदर ऑपरेशन करना है, R3 -3R1, सही बात है, 3R1, तो लीजिए, तो ये हो गया भाई 1 2 3 0 1 2, अच्छा ये 3 ये 1, तो क्या बनेगा, 0 ये 1 ये 2, सही बात है, तो जब यहां पे आएगा 1 और यहां पर आएगा 2 तो 6, ये आ गया माइनस का 5, यहां पर आएगा 1 यहां पर आएगा 3 तो 3 3 9, और ये हो गया माइनस का 8। ठीक है, और सेम केस यहां पे भी 0 1 0 1 0 0, अब यहां पे 0 तो यहां पे भी 0 तो ये हो गया 0 0, यहां पे 1 तो माइनस का 3, यहां 1 तो 1 ही रहेगा। चलिए अब क्या करना है बच्चों, अब मुझे यहां 2 तो 0 मिल चुके हैं, मुझे यहां पे 0 मिल चुके हैं, तो अब मैं क्या करूं बच्चों, मुझे यहां 0 बनाना है अब किसी भी हाल में, तो मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि अगर ये 5 है और यहां पे भी प्लस का 5 होता तो बड़े आराम से 0 बन जाता, सही बात है, तो लीजिए अब मैं काम करूंगा, मैं R3 के लिए ही ऑपरेशन कर देता हूं ताकि यहां 0 मिल जाए मुझे,
आर थ्री माइनस का है ना, तो आप प्लस कीजिए किसके साथ, आर टू के साथ, लेकिन भाई आर थ्रू के साथ ऐड करेंगे तो जीरो थोड़ी मिलेगा, तो आप क्या करो फाइव से मल्टीप्लाई, इससे होगा क्या यहां पे भी जीरो बनेगा और यहां इजली ये सॉल्व भी हो जाएगा। करके देखिए बच्चों, तो ये बना आपका वन टू थ्री जीरो वन टू। अब जरा आर थ्री और आर टू, ये तो भाई पहले से ही चेंज, कोई दिक्कत नहीं, यहां आर फाइव और यहां पे वन, तो ये प्लस का फाइव हो जाएगा जीरो हो जाएगा, यहां यहां पे एट और यहां पे क्या टू, यहां पे एट और यहां पे टू, तो ये तो क्या हो गया टेन, टेन में से एट क्या कितना बचेगा प्लस का टू, ठीक है जी। अब क्या करना है, जीरो वन जीरो वन जीरो जीरो सॉल्व कीजिए, तो ये है जीरो ये है वन, तो ये हो गया फाइव, ये है माइनस का थ्री ठीक है, और ये है जीरो तो माइनस का थ्री रहेगा, ये है वन तो वो जीरो तो ये वन ही रहेगा, ठीक है बच्चों। अब क्या करना है, हाँ जी अब हमने यहां तक तो कर लिया, अब मुझे क्या बनाना है, क्या बनाना है, यहां जीरो बनाना है बच्चों इसको टू को, तो कैसे बनाऊंगा सिंपल, हाँ जी आर वन के अंदर ऑपरेशन करूंगा आर वन माइनस आर टू, लेकिन टू में से बन जाएगा तो ये तो वन ही बचेगा, तो हम क्या करेंगे अपनी तरफ से टू और मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि जीरो बन जाए, लीजिए वन माइनस जीरो वन ही रहेगा, टू माइनस टू जीरो, और यहां पे थ्री यहां पे टू, तो कितना होगा टू टू जा फोर, ये तो माइनस का वन आएगा भाई यहां पे, जीरो वन टू जीरो जीरो टू, ठीक है। अब यहां पे भी कीजिए, हाँ जी जीरो और यहां पे वन तो माइनस का टू, यहां वन तो वो जीरो और ये तो पूरा ही जीरो रहेगा, वन जीरो जीरो फाइव माइनस थ्री वन, ठीक है। अच्छा अब क्या करना है हमें, अब हमें क्या करना है, अब हमें किस में ऑपरेशन करना है, आर टू में, ताकि ये जीरो बने, ताकि ये जीरो बने, तो कैसे करेंगे सिंपल, हमें दिखाई दे रहा है टू में से टू माइनस कर देते हैं भाई बात खत्म, तो ये आर टू के अंदर ऑपरेशन करूंगा आर टू माइनस आर थ्री, आर टू माइनस आर थ्री करो, वन जीरो माइनस वन, जीरो में से जीरो ये रहा जीरो, वन में से जीरो वन, टू में से टू जीरो, जीरो जीरो और ये टू, ये आया माइनस टू वन जीरो, और ये वन में से फाइव क्या माइनस फोर, जीरो में से माइनस थ्री तो प्लस का थ्री, जीरो में से वन माइनस वन, फाइव माइनस थ्री वन, कोई दिक्कत ठीक। चलिए अब क्या करना है बच्चों हमें, अब क्लियर सी बात है यार, दिखाई दे रहा साफ, हमें यहां पे जीरो कराना था लेकिन ये तो गड़बड़ हो गई, एक काम करो फिर, कोई गड़बड़ नहीं हुई है, आर थ्री के अंदर ही ऑपरेशन करो, आर थ्री को टू से डिवाइड कर दो, आर थ्री को किससे डिवाइड कर दो, टू से डिवाइड कर दो, करके देखना जरा क्या बनेगा, वन जीरो माइनस वन जीरो, वन जीरो 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 और ये क्या बन जाएगा वन, ये क्या बनेगा माइनस टू वन जीरो, माइनस फोर थ्री माइनस वन, फाइव बाय टू माइनस थ्री बाय टू और ये वन बाय टू, कोई दिक्कत ठीक है। अब हो गया सिंपल, अब तो मुझे नहीं लगता कि भाई अब कोई खास उस चीज बताने के लायक है, अब साहब सबको पता है आर वन के अंदर ऑपरेशन करना है आर वन प्लस आर थ्री, ठीक है आर वन प्लस आर थ्री ठीक है, और जैसे ही आप ये करेंगे तो यहाँ पे वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन आ जाएगा और यहां पर आ जाएगा माइनस का टू और प्लस का आर थ्री, तो कितना बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा वन बाय टू और ये वन प्लस आर बाय थ्री, तो कितना बन जाएगा माइनस का वन बाय टू, जीरो प्लस तो ये बन जाएगा वन बाय टू, ठीक है फाइव बाय टू प्लस सॉरी माइनस का टू है ना ये तो, वन बाय टू ही रहेगा ठीक है, और ये कितना है माइनस का फोर थ्री माइनस वन, फाइव बाय टू माइनस का थ्री बाय टू और ये वन बाय टू और ये a, ये बन गया आई ए, इधर आके बच्चों इनवर्स, सारी कहानी आपको पता है, a इनवर्स बराबर यही सेम चीज, ठीक है। तो आप सभी बच्चों को ये कवर करना है, तो इसी के साथ बच्चों ये टॉपिक हो गया आपका खत्म, ठीक है, और 3.4 आपका ओवर, एनसीईआरटी और एमएल अग्रवाल से सारे क्वेश्चन आपको कवर करने हैं, और जो रह जाए जो डाउट में आ जाए वो मेरे से अगली क्लास में पूछ लेना है, तो ये मैंने आपको पूरा का पूरा कंटेंट करा दिया, तो 3.4 पूरी तरीके से खत्म, एक क्लास और उसके बाद आपका ये थर्ड चैप्टर ओवर, ठीक है चलिए।